प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर का औचक निरीक्षण। अचानक SMS अस्पताल निरीक्षण करने पहुंची गायत्री राठौर। अस्पताल की व्यवस्थाओं का गायत्री राठौर जायजा ले रही हैं। इमरजेंसी OPD समेत अस्पताल के अन्य ब्लॉक का निरीक्षण किया जा रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। तस्वीरें निरीक्षण के दौरान की है। चूंकि हाल ही में 108 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए थे, जिसमें एक नाम गायत्री राठौर का, फिर उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई, चिकित्सा सचिव उन्हें बनाया गया, जिसके बाद अब व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए गायत्री राठौर दिखाई। SMS अस्पताल के अलग अलग ब्लॉक, चाहे इमरजेंसी हो, OPD हो, यहां निरीक्षण किया गया। जयपुर से तस्वीरें हैं, निरीक्षण करती हुई दिखाई दे रही है गायत्री राठौर। देखिए, SMS अस्पताल चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, दूर दराज से भी, सीमा से सटे राज्य के लोग भी यहां आते हैं और बेहतर उपचार पाते हैं, तो ऐसे में ये जरूरी है कि अस्पताल की जरूरी व्यवस्थाओं को देखा जाए, समय रहते मॉनिटरिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अलग अलग वार्डों में, चाहे इमरजेंसी की बात हो, OPD की बात हो या फिर अन्य ब्लॉक की बात हो, सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई जाए, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर जो जरूरी दवाएं हैं वो समय रहते पहुंचे, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है अस्पताल में, मरीजों को परेशानी तो नहीं है, साफ सफाई के लिहाज से भी निरीक्षण के दौरान खास ख्याल रखा जाता है। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, गायत्री राठौर SMS अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, बताइएगा क्या अभी भी जायजा ले रही हैं और क्या कुछ पाया गया निरीक्षण के दौरान? देखिए शिखा, हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार में इस बार जो ब्यूरोक्रेसी की नई लिस्ट निकली है उसमें पुराने अनुभव को तवज्जो दी गई है और यही अनुभव बोलता है कि देखिए, लगातार जो विभाग के अधिकारियों की बैठक के साथ ही प्रमुख चिकित्सा सचिव है वो फील्ड के निरीक्षण भी कर रही है। दो दिन पहले उन्होंने महिला अस्पताल, जनरल अस्पताल का देर रात को निरीक्षण किया था। आज प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल की OPD IPD वार्ड का निरीक्षण करने के लिए गायत्री राठौर पहुंची है। हालांकि जिस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर होनी चाहिए थी, जिस तरह के दावे किए जाते थे, वो दावे इस बार अस्पताल के अंदर नजर नहीं आए, क्योंकि जो OPD है वहां OPD की हालत काफी चिंताजनक है। यहाँ पर जितनी भीड़ है उससे ज्यादा चिंताजनक हालत इस बात को लेकर के है कि वहां पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्गंध जो है वो OPD के अंदर जगह जगह मिली, जिसके चलते जो प्रमुख चिकित्सा सचिव है उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। फिलहाल अलग अलग ब्लॉक्स का निरीक्षण कर रही है और ये जो निरीक्षण है ये निरीक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले समय में एक तो SMS समेत तमाम जो अस्पताल के अधीक्षक है वो और प्रिंसिपल के चयन की प्रक्रिया होनी है, फाइनल चयन की प्रक्रिया होनी है और इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर क्या विकास कार्य किए जाने चाहिए, किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए, उसको लेकर के भी कवायद जो है वो की जा रही है। तो इन सबके बीच में ये दौरे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दौरों से मुखिया की नजर में रहता है कि किस तरह की दिक्कतें अस्पताल के अंदर। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।